इन दिनों पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए कहीं से कुछ भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में यहाँ की सरकार ने अब गधों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, यानी अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डूबती कश्ती को गधे उस पार लगाएंगे। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की सरकार ने 27 जून को एक फैसला लिया है। फैसला पाकिस्तान के गधों की खाल को लेकर है। खबर है कि पाकिस्तान गधों की खाल चीन को सप्लाई करेगा। ऐसे में अब सवाल ही उठता है कि चीन में गधों की इतनी डिमांड क्यों है। बता दें कि चीन में गधे की खाल का प्रयोग एनीमिया, प्रजनन संबंधी समस्याओं और अनिद्रा के उपचार के साथ साथ कई कथित औषधीय लाभ भी किया जाता है। हालांकि इन दावों में क्लिनिकल प्रमाण की कमी है। गधे की खाल से प्राप्त प्राथमिक उत्पाद को इजाहो कहा जाता है, जो एक पारंपरिक दवा है जिसका उपयोग चीन में हजारों सालों से किया जाता रहा है। पहले इस दवा का इस्तेमाल चीन के शाही वर्ग करते थे, लेकिन अब इसकी डिमांड चीन के मध्यम वर्गीय लोगों के बीच भी बढ़ गई है। इस दवा के उत्पादन में गधे की खाल से निकाले गए कोलेजन को चीन के शेडोंग प्रांत के खनिज युक्त पानी के साथ मिलाया जाता है। बता दें कि गधे की त्वचा को 99 अलग अलग चरणों में उबालने के बाद कोलेज प्राप्त किया जाता है। पाकिस्तान के ARY न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की केंद्रीय कैबिनेट ने मवेशियों, डेयरी उत्पादों, मिर्च और गधे की खाल के निर्यात के लिए चीन के साथ 4 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि गधे की खाल को प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। ARY न्यूज के मुताबिक कानून और न्याय मंत्रालय ने पहले ही उन 4 प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी थी जिन पर चीन पाकिस्तान हस्ताक्षर करेगा। दरअसल पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने 4 अक्टूबर 2022 को सीनेट की एक समिति को बताया था कि चीन पाकिस्तान से गधे और कुत्तों के आयात में रुचि रखता है। कमेटी के अध्यक्ष ने तब आयात निर्यात से जुड़ी जानकारी मांगी थी। पूरी दुनिया में गधों का कोई खास मूल्य नहीं है, लेकिन चीन में इन्हें बेहद कीमती माना जाता है। चीन में इनकी बहुत डिमांड है। चीन में गधे की खाल से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और इसीलिए ये डिमांड में रहते हैं। चीन में पर्याप्त गधे नहीं है, इसीलिए वो इन्हें पाकिस्तान समेत अन्य जगहों से आयात किया करते हैं। हालांकि चीन में सिर्फ हर साल 18 लाख गधे ही सप्लाई चेन में होते हैं। पाकिस्तान गधों के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अफ्रीका में गधे सबसे ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक चीन में सिर्फ 49 लाख गधे हैं। 2014 से 2016 तक पाकिस्तान ने 2 लाख से ज्यादा गधे की खाल चीन को भेजी। इसके अलावा अवैध तरीके से गधे की खाल के निर्यात भी कई बार पाकिस्तान में देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।